हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू स्टडी न्यूज़ न्यूज़ के इस सेगमेंट में हम लोग आज की न्यूज़ देखेंगे जिसमें पहली न्यूज़ है म्यांमार से जहां पे म्यांमार की सेना जातीय गोरिल्ला समूहों में संघर्ष विराम पर सहमति हो गई है चीनी मध्यस्थता में प्रांतीय राजधानी कुनमिंग में किया गया है समझौता बीजिंग से खबर है कि म्यांमार की सेना और वहाँ के जातीय अल्पसंख्यक गोरिल्ला समूहों के गठबंधन के बीच देश के पूर्वोत्तर में जारी लड़ाई को रोकने के लिए उत्कल संघर्ष विराम समझौते पर सहमति बन गई है चीनी विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को यह जानकारी दी जबकि म्यांमार की सैन्य सरकार ने भी इसकी पुष्टि की है चीनी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता माओ निंग ने कहा है कि म्यांमार सीमा से 400 किलोमीटर दूर चीन की एक प्रांतीय राजधानी कुनमिंग में चीनी मध्यस्थता में यह समझौता हुआ उन्होंने कहा हमें उम्मीद है कि म्यांमार में संबंधित पक्ष ईमानदारी से समझौते को लागू करेंगे एक दूसरे के प्रति अधिकतम संयम बरतेंगे और बातचीत तथा परामर्श के माध्यम से मुद्दों को हल करेंगे म्यांमार की सत्तारूढ़ सैन्य परिषद के प्रवक्ता मेजर जनरल जो मिन तुन ने अस्थायी संघर्ष विराम समझौते पर सहमति जताई है चीन को नुकसान नहीं पहुंचाने का वादा भी किया गया है चीनी प्रवक्ता ने कहा है कि सेना और थ्री ब्रदरहुड अलायंस जिसमें म्यांमार नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस आर्मी तांग नेशनल लिबरेशन आर्मी और अराकान आर्मी तीनों शामिल हैं तत्काल संघर्ष विराम और अपने अपने लड़ाकों को बातचीत से हटाने पर सहमति हो गई है दोनों पक्षों ने सीमा क्षेत्र में रहने वाले चीनी लोगों और म्यांमार में चीनी परियोजनाओं तथा कर्मियों को नुकसान न पहुंचाने का वादा किया है अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर इसराइल ने विश्व अदालत में खारिज किया है नरसंहार के दक्षिण अफ्रीकी आरोप को दक्षिणी अफ्रीकी आरोप थे कि अदालत में विश्व अदालत में नरसंहार के बारे में बताया गया था यह हैग से खबर है कि इसराइल ने शुक्रवार को संयुक्त राष्ट्र की शीर्ष अदालत में दक्षिण अफ्रीका द्वारा लगाए गए आरोपों को बेकार बताते हुए खारिज कर दिया है इसराइल ने कहा है कि गाजा में उसका सैन्य अभियान फिलिस्तीनी आबादी के खिलाफ नहीं है बल्कि हमास के आतंकवादियों के विरुद्ध है दक्षिण अफ्रीका ने बृहस्पतिवार को दलील दी कि यह अभियान गाजा में फिलिस्तीनियों का नरसंहार कर रही है इजरायली विदेश मंत्रालय के ताल बेकर ने अंतर्राष्ट्रीय अदालत में कहा कि सात अक्टूबर को हमास ने हमारे साथ भी नरसंहार ही किया था नेतन्याहू ने कहा है कि हम खुद नरसंहार के खिलाफ जूझ रहे हैं इसराइल के राष्ट्रपति बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि इसराइल आतंकवाद का सामना कर रहा है और नरसंहार का खिलाफत करता है अगली खबर डीआरडीओ से है 20 किलोमीटर ऊंचाई पर भी दुश्मन को तबाह करेगी आकाश एन इसका सफल परीक्षण कर लिया गया है लक्ष्य पर सटीक निशाना घुसपैठ के खिलाफ अचूक हथियार साबित होगा रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डी ने आकाश एन मिसाइल का सफल परीक्षण किया है यह मिसाइल उन हवाई लक्ष्यों को भेदेगी जो रडार से बचने के लिए कम ऊंचाई पर उड़ान भरते हैं रक्षा मंत्रालय ने परीक्षण की जानकारी देते हुए बताया कि शुक्रवार सुबह करीब साढ़े दस बजे ओडिशा के चांदीपुर तट स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज आई आर, से नई पीढ़ी की आकाश जिसे आकाश एन कहा जाता है इस मिसाइल का सफल परीक्षण कर लिया गया है परीक्षण के दौरान कम ऊंचाई पर उच्च गति वाले मानव रहित हवाई लक्ष्य को मिसाइल ने सफलतापूर्वक नष्ट कर दिया पूरी तरह स्वदेशी यह मिसाइल रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर लॉन्चर मल्टीफंक्शनल रडार और कमांड नियंत्रण और संचार प्रणाली से युक्त है अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर साढ़े सात साल बाद समुद्र से मिला वायुसेना के विमान का मलबा उनतीस सैनिक थे इसमें सवार 2016 में लापता हुआ था विमान तीन चार किलोमीटर की गहराई में मिला है मलबा वायुसेना आई ए एफ के एक परिवहन विमान का मलबा साढ़े सात साल बाद मिल गया है मलबा चेन्नई से करीब 310 किलोमीटर दूर बंगाल की खाड़ी में करीब तीन चार किलोमीटर गहराई में पाया गया है इससे अब दुर्घटना के कारण का भी पता चल सकेगा 22 जुलाई 2016 को लापता हुए इस विमान में उनतीस सैन्यकर्मी सवार थे वायुसेना कई सालों तक इसकी खोज करती रही लेकिन इसके बारे में कोई सुराग नहीं मिला था इस काम में बड़े गश्ती जहाज और टोही विमान तक लगाए गए थे आखिरकार वायुसेना ने पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत काम करने वाली नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी की मदद ली इस संस्थान ने समुद्र की गहराई में अपना खास वाहन उतारा महीनों के अथक परिश्रम के बाद वाहन को इसका इमेज प्राप्त हुआ है वाहन से तीन हजार चार सौ मीटर की गहराई में मल्टीबीम सोनार एनालिटिक आर्पचर सोनार और हाई रेजोल्यूशन फोटोग्राफी की तकनीक का इस्तेमाल करके इसका पता लगाया गया है तो ये थी आज की खबरें रोज इसी प्रकार हम आपको खबरें देते रहेंगे सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट